नाउ स्टूडेंट्स, अब वर्क देख लीजिए. आप लोगों को डेफिनेशंस करनी है. जो मैंने अभी आप लोगों को कैलकुलेशन बताई थी उसका कोई ऐसा कोई वर्क नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड आपको डेफिनेशन करनी है. वो मैंने आप लोगों को जस्ट रेशो और प्रोपोर्शन क्लियर करने के लिए इस टॉपिक को, तो वो मैंने आपको पूरा उसकी कैलकुलेशन बताई है. बुक में भी नहीं है ये, ठीक है. तो आपने रेशो, प्रोपोर्शन एंड मैथमेटिकल बायोलॉजी, इस तीन टर्म की जो है वो डेफिनेशन लिखनी है. टर्म्स, तीनों टर्म्स की. तो हेडिंग डालेंगे आप डेफिनेशंस की. सबसे पहले आपने रेशो की हेडिंग डालनी है, रेशो की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है. रेशो इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज एक्सप्रेस्ड एज अ क्वेश्चन, ठीक है. यहाँ तक लिखने के बाद उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल एक लाइन ड्रॉप करके लिखनी है, ठीक है. एग्जांपल से लेकर 4:12 तक. उसके बाद आपने प्रोपोर्शन की हेडिंग डालनी है, उसके किसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप प्रोपोर्शन से लेकर इक्वल तक. उसके बाद एग्जांपल उसकी लिख लेंगे नीचे, ठीक है. जैसे यहाँ पर लिखी हुई 4:12 इक्विवेलेंट टू 1:3, तो ये आपने जो है इसकी डेफिनेशन कर लेनी है. देन इसके बाद आपने मैथमेटिकल बायोलॉजी की डेफिनेशन करनी है. थर्ड, मैथमेटिकल बायोलॉजी की आपने डेफिनेशन हेडिंग डालनी है. देन इसकी को डिफाइन करना है, मैथमेटिकल बायोलॉजी से लेकर बायोलॉजिकल सिस्टम तक. तो ये 3 डेफिनेशन है जिसका वर्क आप लोगों ने कर लेना है अपने रजिस्टर में, ठीक है. और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसका हम लास्ट वर्क करेंगे, ठीक है. यहाँ पर वाइंड अप हो जाएगा हमारा चैप्टर. तो ऐसा है कि ये सारा वर्क आप लोगों को अच्छी तरीके से कर लेना है, उसके बाद आपने सारा काम याद भी करना है, क्योंकि जब आप लोग आएंगे स्कूल, जब ओपन हो जाएंगे आप लोगों के, तो जब आप लोग दोबारा से स्कूल रीओपन होंगे, तो आप लोग आएंगे तो आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा कुछ दिनों के बाद, मतलब 10 डेज़ या 1 वीक के बाद. तो आप लोग अपनी तैयारी भी मुकम्मल रखें, सब कुछ याद करके रखें, प्रिपरेशन करके रखें, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही है. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.